दोस्तों, वर्तमान स्थिति में परिवहन का मानो चेहरा बदल गया है। शुरू से यहाँ तक पहुँचने के लिए इसके पीछे कड़ा संघर्ष नहीं बल्कि कई चुनौतियों का सामना भी हुआ है। साल 2015 में पहली बार मेट्रो के पिलरों को सड़कों के बीच निर्माण करने से लेकर तो इन पर मेट्रो की राह तैयार करने का अनुभव अपने आप में बेमिसाल रहा है। जहां तक एक और महामेट्रो ने विश्व स्तरीय रिकॉर्ड बनाया है, तो वही यहां पर हमारे इंजीनियरिंग के काम की भी हर ओर तारीफ हो रही है। आइए डालते हैं महामेट्रो के इस खूबसूरत सफर की ओर। जहां एक और महामेट्रो ने विश्व स्तरीय रिकॉर्ड बनाया है, तो वहीं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी डबल डेकर बनाकर नायाब इंजीनियरों की बेहतरीन मिसाल पेश कर दी है। आखिरकार नागपुर मुंबई हाईवे के खूबसूरत झलक का उद्घाटन रविवार 11 दिसंबर को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों होने वाला है। नागपुर मुंबई के बीच बन रहे बाला साहेब ठाकरे समृद्धि एक्सप्रेस वे का काम लगभग पूरा हो चुका है, लिहाजा नागपुर से शिरडी के बीच 550 किलोमीटर लंबे हाईवे पर जल्द ही गाड़ियां फर्राटे से भर सकेगी। आपको बता दें कि ये महामार्ग नागपुर और मुंबई के बीच 10 जिलों के 392 गांव की तरक्की की राह दिखाएगा। इस हाईवे की कुल लंबाई 701 किलोमीटर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 दिसंबर को नागपुर और मुंबई समृद्धि एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करेंगे। अब जानते हैं कि इस संबंध में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री का क्या कहना है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार को इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर से शिरडी तक पूरे हो चुके हिस्से का उद्घाटन करेंगे, जबकि एक्सप्रेस वे का शेष हिस्सा अगले 6 महीनों में बनकर तैयार हो जाएगा। हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग 6 लेन का राजमार्ग है। यह मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे के बाद राज्य का दूसरा सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है। उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह हमारे लिए काफी खुशी की बात है, साथ ही गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद नागपुर मुंबई महामार्ग का उद्घाटन करेंगे। यह नागपुर से शिरडी तक 500 किलोमीटर की दूरी इसके जरिए तय कर सकेंगे। इसी श्रृंखला में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी कहा है कि मुंबई नागपुर समृद्धि एक्सप्रेसवे एक निर्णायक परियोजना साबित होगी, जो दोनों शहरों के बीच वे की दूरी घटाएगी और साथ ही साथ व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि यह हम सभी के लिए काफी गर्व की बात है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के दौरे से पहले निर्माण कार्य का निरीक्षण करने के लिए सीएम एकनाथ शिंदे नागपुर में थे। मुख्यमंत्री ने नागपुर हवाई अड्डे पर संवाददाताओं से भी कहा था कि 11 दिसंबर को ये खुशी का क्षण होगा, क्योंकि एक्सप्रेस वे का नागपुर से शिरडी तक 520 किलोमीटर लंबा हिस्सा यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। हमारा देश भारत अपनी विविधताओं के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। गांव से लेकर शहर तक अपनी अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं। उन्हीं में से एक शहर है नागपुर। नागपुर जो भारत में संतरों की नगरी के नाम से जाना जाता है, यहाँ के संतरे की पैदावार पूरे विश्व में मशहूर है। लेकिन हम आपको बता दें कि केवल संतरा ही नहीं, तो बल्कि अब ये शहर समृद्धि एक्सप्रेसवे के नाम से पूरे वर्ल्ड में दर्ज है। आपको बता दें कि नागपुर शहर का इतिहास लगभग 300 साल पुराना है। इस शहर की स्थापना 18वीं शताब्दी में राजा गौंड वंश के और देवगढ़ छिंदवाड़ा के शासक भक्त बुलंद शाह द्वारा की गई थी। 1797 में पेशवा बाजीराव प्रथम के समय नागपुर के रघुजी भोसले स्वतंत्र रूप से इस पर शासन करने लगे और यहां से उन्होंने अपनी इसे राजधानी भी घोषित की थी। आज भी नागपुर में भोसले वंश के शासनकाल का एक बड़ा ही दुर्गम तथा अन्य भवन स्थित है। 1817 में नागपुर ब्रिटिश प्रभाव में आ गया। उस समय यह मध्य भारत की एक बहुत बड़ी सियासत हुआ करती थी। आपको बता दें कि संतरों की नगरी के रूप में विख्यात नागपुर महाराष्ट्र का तीसरा, भारत का 13वां और विश्व का
114वां सबसे बड़ा शहर है। इस शहर के नामकरण पर दो मान्यताएं विख्यात है। पहली, यहाँ सांपों की एक प्रजाति नाग की बहुता है, जिस कारण इसका नाम नागपुर पड़ा, और इस शहर में बहने वाली नाग नदी के कारण इसका नाम नागपुर हुआ। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के इस कीर्तिमान के लिए महाराष्ट्र मेट्रो के मैनेजिंग डायरेक्टर ने नागपुर के मेट्रो भवन में सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है। बताते चले कि नागपुर मेट्रो पहले ही एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपनी जगह बना चुका है। इससे पहले इतनी लंबी मेट्रो, वो भी डबल डेकर संरचना, पूरे देश में कहीं नहीं है। महाराष्ट्र मेट्रो ने नागपुर में सिंगल कॉलम पर हाईवे फ्लाईओवर तक तथा मेट्रो रेल की सुविधा के साथ सबसे लंबे डबल डेकर ब्रिज का निर्माण किया है, और एक बार फिर हमारा नागपुर शहर में एक और प्रसिद्धि जुड़ गई है, और वो है समृद्धि एक्सप्रेसवे।